हेलो एवरीवन वेलकम टू द पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल चैनल इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की सोशल साइंस यानी एसएसटी ज्योग्राफी की वर्कशीट ट्वेंटी फाइव को करेंगे जिसकी डेट है अट्ठाईस दिसंबर दो हज़ार बीस और इसमें हम चैप्टर फाइव मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वर्कशीट की वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई भी वर्कशीट मिस ना हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इसमें मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से मेजर डोमेन है अगर हम अर्थ की बात करें यहाँ पे तो दे आर टू मेन डिवीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस तो अर्थ के सरफेस को दो डिवीजन्स में बांटा गया है एक तो वो हिस्सा जहाँ पे वाटर है और वे एक वो हिस्सा जहाँ पे हमारा क्या Lands है लैंड्स हैं यानी कि भूमि वाला और पानी वाला हिस्से में हमें बांटा गया है द लार्ज लैंड मासीज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स तो जो लैंड मासीज हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कोल्ड ओशन बेसिस और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं बड़े वाली यानी कि छोटे छोटे जो आपके आस पास तालाब दिख जाए वो नहीं ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर नोन एज ओशन बेसेंस ठीक है तो अगर हम मैप में बात करें आप मैप आपको एक दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप तो यहाँ पर जो लैंड मार्सेज है वो तो हमारे हो गए कॉन्टिनेंट्स ठीक है अगर हम काउंट करें तो कितने कॉन्टिनेंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स और जो ये पानी ब्लू वाला हिस्सा को यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा है वाटर और इनको हम बोलते हैं ओसन बेसिनस ठीक है और जो हमारे जो है लैंड मासीज हैं लैंड मासीज हैं उनको जो है अलग अलग किया गया वाटर से देखो पानी जो है हमारे लैंड मासीज को डिवाइड कर रहा है सेपरेट कर रहा है ठीक कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे कुछ को नेक्स्ट वर्कशीट में हम पढ़ेंगे देर आर सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स तो टोटल मेजर कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे पास सेवन दे आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज़ तो पानी की जो बॉडीज हैं हमने दिखाया था वो जो हमारे कॉन्टीनेंट्स को अलग करती है और कॉन्टीनेंट्स के नाम कौन से हैं एशिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे देखो एशिया यूरोप अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका हमारे सात कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द लगेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन नॉर्दर्न हेमिसपेयर तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें ये हमारा इक्वेटर है जो ऊपर है इसके वो हमारा नॉर्थ हेमिसपेयर है और नीचे हमारा साउथ हेमिसपेयर है तो अगर आप देखोगे लैंड मासिज अधिकतर किसमें हैं नॉर्थ हेमिसपेयर में और जो साउथ हेमिसपेयर है उसमें बॉर्डर बॉडीज हमारी ज़्यादा हैं कुछ कॉन्टिनेंट्स के हमारे बारे में यानी एशिया यूरोप और अफ्रीका के बारे में हम इस में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं तो एशिया के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या है देखो जो हमारा इंडिया भारत है ना वो एशिया में ही है और एशिया क्या है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इट कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ यानी पूरी धरती का लगभग एक तिहाई हिस्सा वन थर्ड हिस्सा एशिया है इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर ये ईस्टर्न हेमिसफेयर में है तो अगर हम मैप में देखें यहाँ पे तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिसफियर है इसमें हमारा एशिया लाई करता है और हमारा इंडिया भी अगर आप देखोगे तो एशिया में आता है उसके अलावा द ट्रॉफिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट तो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेंस यूराल माउंटेंस जो है वो एशिया यूरोप को अलग करते हैं द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ़ यूरोप एंड एशिया इज कोल्ड यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया को इकट्ठा कर दिया तो बन गया यूरेशिया तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जो है एशिया से पास हो रही है दूसरी बात यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन दिखेगा ये यूरोप और एशिया को अलग करता है और जब हम यूरोप और एशिया का पूरा हिस्सा एक साथ लेते हैं तो इसको हम यूरेशिया बोलते हैं तो ये तो पढ़ा हमने एशिया के बारे में अब हम पढ़ते हैं हमारा यूरोप के बारे में द कंटीनेंट यूरोप कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया एशिया के जो है वेस्ट साइड में है यूरोप द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट और तो आर्कटिक जो सर्कल है वृद्ध इसे पास होता है इट इज़ बाउंड बाई द वॉटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स तो यूरोप के बारे में क्या दिया गया है ये हमारा यूरोप है ये हमारे एशिया के वेस्ट साइड में है यूराल माउंटेन इसको अलग करता है तीन तरफ से ये पानी से घिरा है और एक तरफ एशिया से ये घिरा हुआ है उसके अलावा आर्कटिक जो वृत्त है आर्कटिक जो हमारा सर्कल है वो इसमें से गुजरता है ठीक है और ये नॉर्थ होमिस्फेयर में है उसके बाद हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया तो एशिया सबसे बड़ा था और जो अफ्रीका है वो सेकेंड नंबर पर बड़ा है तो अगर आप यहाँ पर अफ्रीका की बात करें तो ये रहा अफ्रीका उसके अलावा इस इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ये तीनों जो रेखाएं हैं लाइन से इससे गुजरती हैं द इक्वेटर और जीरो डिग्री लेटिट्यूड ले, 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 ले रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी जीरो डिग्री वाले जो बिल्कुल बीच में से लगभग जाते हैं अफ्रीका से लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फियर तो अफ्रीका का जो अधिकतर हिस्सा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है इट इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकोन पास तो अगर हम यहाँ पे मैप पर देखें देखो तीनों रेखाएं हाँ जो है टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकोन इसमें से गुजरती हैं और इसका अधिकतर हिस्सा किस साइड है अधिकतर हिस्सा नॉर्थ हेमिसपियर में दिया गया है उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें मिलता है सहारा डेजर्ट और हमारी नील नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है द सहारा डेजर्ट द दर्ल्ड्स लार्जेस्ट हो डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका अभी देखा द कंटीनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाई ओशंस एंड सीज यानी इस कंटीनेंट के चारों तरफ समुंदर और महासागर हैं द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल नील नदी फ्रोज थ्रो इट तो ये हमारा जो अफ्रीका है इसके चारों तरफ हमारा पानी है ठीक है इसमें सहारा डेजर्ट भी है इसमें नील नदी भी है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है इक्वेटर भी है ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन भी है और उसके अलावा इसमें एटलेस माउंटेन भी है तो ये तीन कंटिनेंट के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ा बाकी के कंटिनेंट के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या महाद्वीप किसे कहते हैं जो हमारे लैंड मासिज होते हैं उसको बोल देते हैं ना तो द लार्ज लैंड मासिस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स तो ये हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट आंसर द लार्ज लैंड मासज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड तो हमने देखा था कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास सात कॉन्टिनेंट्स तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेवन थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जो जिसमें इंडिया भी है एशिया एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा एशिया फर्स्ट का सेकेंड आंसर था सेवन और फर्स्ट का हमने आपको दिखा दिया था आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।